मम्मी पापा ने बताया कि ये कोचिंग अच्छी है, यहाँ से भैया को भी कराई थी, तो मतलब उन कोचिंग वालों पे हमें ट्रस्ट था कि ना हाँ इस कोचिंग में हो सकता है। अब तो हमने यहाँ पे ही फिरोजाबाद में झाकला से ज्वाइन की। काफ़ी मेरे दोस्त थे, उन्होंने कहा कि ना नहीं ये छोटी सी कोचिंग ऐसे नहीं हो सकता है, काफ़ी मुश्किल है यहाँ से निकालना। और कि मैंने हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में भी गया था, तो इसलिए उन्होंने कहा कि मुश्किल है, नहीं हो पाएगा तुम्हारा। काफ़ी बार डिमोटिवेट किया, लेकिन है ना वही डिमोटिवेशन मेरे को अंदर से मोटिवेशन लगी कि है ना हाँ मैं और करके दिखाता हूँ तो यहाँ पे लोगों की सोच बदल जाएगी। सोच बदलने के लिए मैंने कहा कि अब मैं कुछ करके दिखाऊंगा, तो मैं कई तो फिर मैं झाकला से ज्वाइन की। वहाँ पर टीचर्स ने मुझे गाइडेंस किया, तो वहाँ पर गाइडेंस की वजह से ना मैं उन्होंने कहा था अगर आप दिन रात सही से मेहनत करोगे तो आपके भी नाम होगा, आपके घर वालों का नाम होगा। इससे जो आप करना चाह रहे हो कि मतलब जो लोग कहते हैं क्या ना फिरोजाबाद जैसी छोटी जगह से नहीं हो सकता, कोटा दिल्ली या फिर आगरा ही जाना पड़ेगा तभी हो पाएगा, ऐसा ऐसा तुम प्रूव कर सकते हो कि फिर यहाँ से भी हो सकता है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं यहीं से करूँ, मैं आगे एक रोबोटिक्स इंजीनियर बनना चाहता हूँ। कुछ लोगों ने कहा था मुझसे कि यहाँ पर कुछ नहीं हो पाता है, बहुत छोटा सा शहर है, यहाँ पढ़ाई अच्छी नहीं मिलेगी, गाइडेंस अच्छी नहीं मिलेगी, लेकिन मुझे विश्वास था कि मेरा बच्चा कुछ कर सकता है यहाँ से भी। उसने करके दिखाया। बच्चे की चॉइस के ऊपर है कि बच्चा क्या करेगा, उस पर मेरा कोई दबाव नहीं है कि तुम ये बन जाओ कि वो बन जाओ, उसकी जो चॉइस होगी वही करेगा। छोटा सा था जब से, कभी न कभी कोई ना कोई प्रैक्टिकल करता रहता था, कभी कुछ बनाना कभी कुछ बनाना, जैसे कि कभी कार बनाना, कभी बिजली बनाना, कभी पंचक्की बनाना, इस तरह छोटे छोटे प्रयोग अपने जेब खर्चे से करता रहता था। जैसे हमने कभी 10 रुपये दिए, कभी 20 रुपये दिए, तो उसमें से कभी व्हील पहिए लेके आ गया, कभी बैटरी लेके आ गया, तो उनको जोड़ जोड़ के कुछ वेस्ट सामान जो होता है जैसे सीढ़ी वगैरह होती है उनके पहिए बनाना, इस तरह से प्रयोग करता रहा था।